हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक अनदर स्टॉक की बात है, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड की बात करते हैं। दोस्तों, हैवीवेट स्टॉक है और पिछले कुछ समय से एक तरह से रेंज में कारोबार कर रहा है। Q1 का रिजल्ट आना है दोस्तों, उसका अपडेट दिया है बैंक ने, किस तरह के लोन बटे हैं, डिपॉजिट कितना आया है, तो उसको देखते हैं, उसको चेक करते हैं। और एक झलक है Q1 का रिजल्ट, पहली तिमाही का रिजल्ट कैसा रह सकता है, तो लोन्स कितने बटे हैं, डिपॉजिट कितना हुआ है, परसेंटेज के हिसाब से दिया है बैंक ने, तो उसको सबसे पहले चेक करते हैं। एक नज़र टेक्निकल चार्ट के अनुसार देखेंगे, रेजिस्टेंस सपोर्ट की बात करेंगे। मार्केट कैप की बात करते हैं तो 8,26,493 करोड़ का है, फेस वैल्यू 1 रुपये का है, बुक वैल्यू पर शेयर के हिसाब से देखते हैं तो 380 का है दोस्तों। और दिग्गज स्टॉक है। फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करते हैं तो हर तिमाही इनका एक तरह से इम्प्रूवमेंट होता है, और साल दर साल के हिसाब से देखते हैं तो लगभग 15-20% का इम्प्रूवमेंट रहता है दोस्तों। और पिछले एक साल का जो रिटर्न है दोस्तों 39% का है। आइए, इन्होंने क्या अपडेट दिया है सबसे पहले उसको चेक करते हैं। दोस्तों, एचडीएफसी बैंक ने अपडेट दिया है, Q1 का रिजल्ट आएगा, पहली तिमाही का रिजल्ट आएगा और 17 जुलाई 2021 को आएगा। उससे पहले एडवांसेस और डिपॉजिट की बात बताई है तो उसी को चेक करते हैं। और देखिए, June 30, 2021 तक इनका जो एडवांसेस है 11,475 बिलियंस एज ऑफ 30 June 2021, ए ग्रोथ ऑफ अराउंड 14.4% है दोस्तों। 10,033 बिलियंस एज ऑफ June 30, 2020, एक साल का जो ग्रोथ है 14.4% का है, और 1.3% है ये क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से है। 11,328 बिलियंस एज ऑफ March 31, 2021, तो क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो 1.3% का है, और साल दर साल के हिसाब से 14.4% का है। आगे इन्होंने सारा डिटेल दिया है किस सेगमेंट में कितना हुआ है, इसमें टोटल हमने देख लिया है। अब डिपॉजिट की बात कर लेते हैं। देखिए, बैंक का जो डिपॉजिट रहा है 13,460 बिलियंस है दोस्तों, और ये June 30, 2021 ग्रोथ हुई है 13.2% का है, और पिछली बार था 11,894 बिलियंस एज ऑफ June 30, 2020 में था दोस्तों ये। तो ये जो ग्रोथ हुई है 13.2% की हुई है, डिपॉजिट में भी लगभग 13.2% है साल दर साल के हिसाब से, बट जो क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से देखते हैं तो 0.8% का है दोस्तों। क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से 0.8% का ग्रोथ हुई है, और साल दर साल के हिसाब से 13.2% का है। जैसे कि एडवांसेस जो लगभग 14% का ग्रोथ हुआ है, तो एक अच्छी ग्रोथ है। जो सिचुएशन चल रही थी उसके अनुसार देखते हैं तो बढ़िया ग्रोथ है, और स्टॉक प्राइस लगभग 1500 के आसपास है, और 17 जुलाई 2021 को इसका रिजल्ट आना है। एक नज़र चार्ट पैटर्न के अनुसार देखते हैं और उसी के अनुसार फिर रेजिस्टेंस सपोर्ट और टारगेट की बात करते हैं दोस्तों। ये एचडीएफसी बैंक लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है, कैंडल्स हैं डेली के, स्टॉक प्राइस 1495 के आसपास कारोबार कर रहा है 5/7/2021 को। तो आगे किस तरह का ट्रेड हो सकता है चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करेंगे। और देखिए, इसने फरवरी में हाई बनाया था, 1630 तक गया था ये, 1630 तक गया था, और देखिए तेज़ी कहाँ से आई थी, पिछले साल जो गिरावट आई थी वहाँ से अच्छा एक मुनाफा दिया है निवेशकों को जो लॉन्ग टर्म के लिए बने हुए हैं। और स्टॉक देखिए, ये उस तरह का स्टॉक नहीं है 5-10% बहुत तेज़ी से भागने वाला स्टॉक नहीं है, धीरे धीरे एक तरह से बढ़ रहा है ये, और 1500 के आसपास है, गिरावट भी ज़्यादा नहीं दिखती है दोस्तों। जैसे कि अभी ये 1630 के आसपास फरवरी के महीने में था और बैंकिंग स्टॉक्स में तेज़ी थी, यहाँ तक ही गया। उसके बाद देखिए, इसका जो गिरावट था 1360, तो जिनके पास नहीं था, जिन्होंने यहाँ पे लिया है, देखिए ऊपर की तरफ ही है। अब ये जो फॉल आया था, ये आया था अप्रैल के महीने में, अब देखिए ऊपर की तरफ है, पहली तिमाही का रिजल्ट निकल रहा है। तो जो शॉर्ट टर्म के लिए कारोबार करते हैं तो एक तरह से स्टॉक जो है रेंज में है, ये ऊपर की तरफ 1630, लोअर लेवल पे 1370 के आसपास दोस्तों, इस तरह का ये ट्रेड कर रहा है पिछले कुछ समय से। और लॉन्ग टर्म में एक तरह से देखिए ये अप ट्रेंड में है, यहाँ पे कुछ समय ये बिता रहा है। और देखिए, अभी जो रेजिस्टेंस इसका बना हुआ है, जैसे 1500 के आसपास है जो रेजिस्टेंस इसका बना हुआ है, अगर हम देखते हैं तो 1521, और उसके बाद देखते हैं तो 1533, इसके ऊपर अगर क्लोज हो जाता है Q1 के रिजल्ट से पहले, तब फिर हमें इसका जो ऊपर का टारगेट होगा दोस्तों, ये टारगेट होगा 1572.40 रुपया। यहाँ तक जाएगा डेफिनेटली, और इससे पहले भी एक वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश थी कि यहाँ तक जाएगा ये, पर धीरे धीरे बढ़ेगा।
अभी ऊपर का जो रेजिस्टेंस ये बना हुआ है 1533 से 1534 का, इसके ऊपर क्लोज होता है तो डेफिनेटली यहाँ तक जाएगा और इसको भी ब्रेक करेगा दोस्तों, 1630 को भी ब्रेक करेगा। निफ्टी 50 अगर अपने हाई के आसपास होगा तो डेफिनेटली यहाँ तक जाता हुआ दिख सकता है। तो जिन जो शॉर्ट टर्म के लिए कारोबार कर रहे हैं ये लेवल इंपॉर्टेंट है 1533 से 1535 का, उसके बाद का जो ऊपर का एक रेजिस्टेंस रहेगा 1572 के आसपास, वहाँ तक अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए कारोबार कर रहे हैं। और जो लॉन्ग टर्म के लिए रखा है तो ये 1630 को भी ब्रेक करेगा, उसके बाद ये ऊपर की तरफ ही दिखेगा दोस्तों। जैसे कि ब्रोकरेज हाउसेस के जो टारगेट्स हैं 1700, 1800, 2000, अब बीच में जो ऊपर की तरफ था तब टारगेट जो है हमें काफ़ी ऊपर का दिख रहा था। तो देखिए स्टॉक धीरे धीरे बढ़ने वाला स्टॉक है, ये दिग्गज स्टॉक है एक तरह से, और जिनके पोर्टफोलियो में नहीं है नीचे की तरफ दिखता है, देखना चाहिए इसको, रखना चाहिए। जब भी फॉल होता है यानी मार्केट अगर गिरती है तो HDFC बैंक को जरूर देखना चाहिए दोस्तों, और कुछ खबरें बीच में आती रहती हैं उसके अनुसार भी अगर नीचे की तरफ दिखता है तब भी देखना चाहिए। तो पिछले 5-6 महीने का जो ट्रेड है उसके अनुसार ये रेजिस्टेंस सपोर्ट है दोस्तों, और इसमें करना क्या चाहिए कि अगर नीचे की तरफ HDFC बैंक दिखता है तो उसको पकड़ लेना चाहिए, ऊपर की तरफ अपने अनुसार प्रॉफिट बुक करना चाहिए, और जो लॉन्ग टर्म के लिए बने हुए हैं उनको होल्ड करना चाहिए इसको। और RSI देखिए दिखा है 52 में, RSI भी एक तरह से देखिए ये नीचे की तरफ आया था अभी 31, उसके बाद ऊपर की तरफ गया ये 58, तो एक रेंज में है, ये अब ट्रेंड में है। तो जब ऊपर की तरफ लगभग 76-75 के आसपास पहुंचेगा तब फिर एक गिरावट रहेगी। तो दोस्तों अगर कभी भी डाउनफॉल होता है तो HDFC बैंक लिमिटेड को जरूर देखिए, वो एक मौका होना चाहिए इन्वेस्टर्स को। और जो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने के लिए कारोबार करते हैं तो जैसे कि 1500 के आसपास एक टारगेट रखे ऊपर का 1537, उसके बाद सीधे से भाग के ऊपर की तरफ जाएगा 1570 और 72 के आसपास, उसके अनुसार मुनाफा वसूली यहाँ पे कर सकते हैं। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट निकलता है तो हमें फिर ये स्टॉक जो है 1630 के आसपास भी जाता हुआ दिख सकता है। इसको अगर ब्रेकआउट करें तो मान के चलिए वहाँ से 5 से 10% ऊपर की तरफ होगा, यानी धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो इसको ब्रेकआउट जिस दिन मिलेगा वहाँ से अच्छी खासी तेजी बनेगी। तो दोस्तों HDFC बैंक ने Q1 का जो अपडेट था, कितना लोन बटा है और डिपॉजिट कितना हुआ है उसका अपडेट था, और कुछ पॉइंट जो है चार्ट पैटर्न के अनुसार थे, रेजिस्टेंस सपोर्ट और टारगेट की बात थी। लॉन्ग टर्म वालों को अभी वेट करना चाहिए और 1630 का टारगेट तो रखना चाहिए आने वाले समय में, 2-3-6 महीने में ये ऊपर की तरफ हमें दिखना चाहिए दोस्तों। तो ये पॉइंट रहेंगे HDFC बैंक लिमिटेड का। दोस्तों और भी वीडियोज देखने के लिए चैनल को YouTube चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए, नया वीडियो अपलोड होगा तो तुरंत नोटिफिकेशन मिलता है YouTube की तरफ से। स्टॉक मार्केट की जानकारी, न्यूज, एनालिसिस, रिजल्ट सारा कुछ फ्री है। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।